कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप को अपना विजेता मिल गया है। लॉकअप की ट्रॉफी और 20 लाख की प्राइज मनी स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने अपने नाम की। जहां मुनव्वर फारूकी विनर बने तो वहीं पायल रनर अप रहीं। पायल के हाथों से लॉकअप की ट्रॉफी छीन ली गई तो उसका उन्होंने सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकाली। जीत के बाद मुनव्वर फारूकी ने मीडिया से बात करते हुए अपनी खुशी जाहिर की तो वहीं पायल रोहतगी सेट छोड़कर थोड़ी देर में ही निकल गई। उन्होंने मीडिया को भी अपना कोई रिएक्शन नहीं दिया। शो में हारने के बाद और मुनव्वर फारूकी के हाथों ट्रॉफी गंवाने के बाद से पायल रोहतगी लगातार सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शन दे रही है। लॉकअप से बाहर निकलने के बाद पायल रोहतगी ने मुनव्वर का एक पुराना वीडियो शेयर कर उन्हें टारगेट किया है। मुनव्वर फारूकी का ये वही वीडियो है जो विवादों में रहा, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था। इस वीडियो को अपलोड कर पायल ने उन पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने धर्म का इस्तेमाल अपने करियर के लिए किया। पायल रोहतगी ने मुनव्वर का एक वीडियो रीशेयर किया है। इस वीडियो में वो राम सीता को लेकर विवादित बातें कर रहे हैं तो वहीं दूसरी वीडियो में गोधरा कांड पर कॉमेडी कर रहे हैं। वीडियो के साथ पायल ने कैप्शन में लिखा है, लॉकअप के विनर का वीडियो अपलोड किया, इस तरह उन्होंने अपने करियर के लिए धर्म का इस्तेमाल किया है और रियलिटी शो में विक्टिम कार्ड खेला है। पायल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है तो वहीं जीत के बाद से मुनव्वर फारूकी लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। पायल के इस वीडियो को देखकर जहां कुछ लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसे हार हजम ना होना बता रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों एवं जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें यूपी टाइम्स न्यूज़, और लगातार खबरें पढ़ना चाहते हैं तो विजिट करिए www.uptimesnews.in पर।